हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय ट्यूब चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं रायसेन फोर्ट। ओपन आई फील द वेव्स कट थ्रू मी, हिप्नोटाइज्ड बाय द साउंड्स ऑफ ब्रीथिंग एंड होल्ड टाइट केमिकल्स कोलाइड। होल्ड टाइट, होल्ड टाइट, ये कब तक खुला है यहाँ पे? 6 बजे तक ना, ठीक हो गए। सो फाइनली गाइस, अब आ गए हैं आजासन फोर्ट। ये है सीढ़ियाँ, बहुत ऊपर लंबा जाना पड़ेगा। कौन है? मैं तो हॉट टाइट हो गई है, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, यही जो गेट है रायसेन फोर्ट में एंटर करने का, और अभी आगे चलेंगे और आपको दिखाता हूँ। ये व्यू देखो, व्हाट अ व्यू। अभी तो बहुत ऊपर जाना है, लेट्स गो, चलते हैं। पत्थर ही पत्थर देखो, मैन पावर कितना लगता था उस टाइम में, हैं? देख रहे
सेकंड गेट, बड़े गेट को बचाने के लिए ये सेफ्टी के लिए रखते थे। तो ये गेट में आपको दिख रहे होंगे, ये लॉकिंग सिस्टम रहते थे इस टाइम पे, ये आपको दिख रहे होंगे रूल्स हैं, ये लॉक करने के लिए रखते थे जो भी है। ये सेकंड गेट है, जो भी इसके ऊपर का एक जगह भी है ना, ये थर्ड तीसरे नंबर का गेट है, जो भी डिफेंस के लिए होगा उस पर आपको दिखा, उस पर एक सीढ़ी है, यहाँ पे जा सकते हैं क्या, यहाँ से शायद। अबे यहाँ है तो ऊपर जाने का, यहाँ से थर्ड नंबर का गेट है, आपको दिख रहा होगा सीढ़ियाँ दिख रही है वहाँ पर जाने की, पीछे पर दिख गया तो वहाँ जाता है। सो गए, ये हम वो तीसरे नंबर के गेट के ऊपर हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो भी उस टाइम जो सैनिक होते थे डिफेंस के लिए यहाँ पे रहते थे करीबी, तो आपको ये दिख रहा होगा सामने, तो यहाँ पे पूरे रहते थे। एंड ये किला हर कोई जीत नहीं सकता था इस किले को, क्योंकि ये किला सबसे ज़्यादा हाइट पे था, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था, तो बहुत बार हो गए। फाइनली सीढ़ी पूरी चढ़ ली और पहुंच गए किले पे, जा रहे हैं इंट्रेंस गेट पे। तो खुड़ा कैसा लग रहा है आपको, कितनी सीढ़ी है, 220 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए, और अभी भी किला बहुत बड़ा है देख सकते हो, तो वहीं चल रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, अभी मेरी सांस फूल रही है, उतरना भी है अभी तो नीचे यार। देखेंगे जब क्या, तो सोच आपको व्यू दिखाता हूँ किले के सामने का। सी से 11वीं शताब्दी में किले को बनाया गया था, जब से है रेडी देख सकते हैं। सो गाइस, ये जो
ये शिव मंदिर है वैसन किले के अंदर। बहुत ये शिव मंदिर 11 शताब्दी पुराना है, तो काफ़ी पुराना है ये शिव मंदिर है। तो आइए अभी चलते हैं इसमें। आपको भी दिखाता हूँ यहाँ का, ये उस टाइम का किले के अंदर ये शिव मंदिर है, काफ़ी पुराना शिव मंदिर है। तो आपको मैं थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, देखिए इस मंदिर की एक खास बात और आपको बताऊंगा। यहाँ पे दो सुरंग निकली हुई हैं, गुफाएं हैं, अभी दो आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ से मतलब जो भी राजा है यहाँ के, जो राजा थे पूरन मन सिंह, तो वो यहाँ से वहाँ जो नहाने जाते थे यहाँ सुरंग के थ्रू। तो ये आपको दिखाते हैं, इसको शायद पैक कर दिया गया है, तो इस तरफ ना जाए ब्लॉकेज। आइए 11वीं शताब्दी का शिवलिंग दिखाते हैं आपको, शूज़ निकाल दूँ। ये है वो मंदिर, ये है वो शिवलिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, रायसेन किले के अंदर जो है 11वीं शताब्दी में ये शिवलिंग की स्थापना जो भी की। बहुत काफ़ी पुराना शिवलिंग है ये, वो काफ़ी पुराना मंदिर है शिव जी का यहाँ पे। तो आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ इसका व्यू। सो गाइस ये है शिवलिंग, जिसकी मैं बात कर रहा था सुरंग की, ये आपको दिख रहा है, ये सुरंग है। ये जो है वहाँ पे ये गुफा, ये जो आगे मोतिया तालाब है, ये गुफा सुरंग वहाँ तक जाती है पूरी। तो उस टाइम पे पूरन मल सिंह जो थे उनको यहाँ से जाके वहाँ पे जाना होता था, नहा के फिर मंदिर आते थे इंटर से। एक गुफा ये भी है, आपको दिख रहा होगा गेट है, बट बंद करके रखा हुआ है। आपको मैं थोड़ा ये दिखाता हूँ, एक सुरंग ये भी। वो दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको अंदर। ये दूसरी सुरंग है कि ये जाती है, आपको मैं अभी थोड़ी देर लेके जाऊंगा, तो वहाँ जाती है, तो आपको दिख रहा होगा गुफा। ये देखिए सुरंग, देखिए आपको ये देखिए, एक ये गुफा है। तो दो गुफा निकली हुई हैं यहाँ पे, शिव जी का मंदिर हो गया, चलते हैं लेट्स गो। अभी जो ये जो सुरंग मैंने आपको जो दो दिखाई है वो कहाँ निकलती है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये एक यहाँ पे तालाब है, ऐसा कहते हैं, जो पारस पत्थर था यहाँ का रायसेन किले का। सो गाइस ये है तालाब मंदिर के पीछे, इसका नाम मदागन मदाब करके नाम है, तो ऐसा बोलते हैं, कहा जाता है यहाँ पे लोग बोलते हैं, जो पारस पत्थर था यहाँ पे इस तालाब में फेंका गया था पारस पत्थर। कई लोगों ने ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिला, काफ़ी स्टोरी है पारस पत्थर की भी यहाँ पे रायसेन किले पे। ये तालाब में है, आपको तालाब में दिखाता हूँ, तो वहाँ जाने का अलाउ तो नहीं है, तो आपको तालाब में थोड़ा व्यू दिखाता हूँ तालाब। ये है तालाब, जा रहे हैं
शिव जी के मंदिर की एक खास बात यह है, ये मंदिर शिवरात्रि के दिन ही खुलता है। उस दिन बहुत भीड़ होती है यहाँ पे रायसेन किले में। तो अभी अपन जाते हैं, ये एक गेट है आपको दिख रहा होगा, ये इंटर गेट है, यहाँ चलते हैं। ये काफ़ी बड़ा है यहाँ का कुछ। तो ये है किले का निर्माण किया गया, बनाया गया है। तो आपको मैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना, काफी पुराना पत्थर देख सकते हो। व्यू दिखा तुम, तो एक बड़ा सा हॉल टाइप का ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो यहाँ हो सकता है सैनिकों के रहने की जगह हो, क्योंकि ये छोटे 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 जो घर दिख रहे हैं आपको, यहाँ भी दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे एक सीढ़ी हुआ करती थी, वो अब तोड़ दिए शायद, ऊपर को रहे हैं। तो ये दूसरा महल काफी बड़ा है यार, चलते हैं इसको, मुझे देखते हैं।